हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे ICAR टेक्नीशियन के लिए टॉप 25 पे यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो पूरा वीडियो को आपने ध्यान से देखिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी काफ़ी बनाया, अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको आप ही कमेंट में आके लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके सैयद अहमद थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बंकिम चंद चटर्जी द्वारा रचित जो आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सन्यासी। अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 ईस्वी में की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगला दिया गया, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? 146 नंबर प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला दिया गया यहाँ पे आपका, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटे किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, जिन्होंने आर समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 147 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया आपका यहाँ पे देखो, अगला दिया गया 148 नंबर है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? शिकागो में हुए धर्म संसद में। ठीक है, 148 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बताइए ए पार्ट, स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 12 जनवरी में 1863 को हुआ था कोलकाता में, और 12 जनवरी इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को इन्हीं के। ठीक है, अगला दिया गया, यंग बंग आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? बताइए 147 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बताइएगा 149 का राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ये प्रश्न आपका काफ़ी बार रिपीट किया है, तो हेनरी विवियन डरोजिया। यंग बंग आंदोलन का जो प्रवर्तक है हेनरी विवियन डरोजिया है, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? 150 नंबर प्रश्न का यहाँ पर सी अड़ियार में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 152 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा, 1829 में। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, बताइए 153 नंबर प्रश्न है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की गई थी, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हेम थे, संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ए ओ हेम थे, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी, मतलब विमेश चंद बनर्जी ने किया था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, अब ये बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 156 नंबर प्रश्न है, बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? 156 नंबर प्रश्न है, बताइए। चलो देखो, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? अभी बताया था, विमेश चंद बनर्जी, मतलब डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता थी, 157 नंबर प्रश्न है, इसका जो ए बी पार्ट है एनी बेसेंट राइट है। लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता है? 158 नंबर प्रश्न का डी पार्ट, इन तीनों को, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन रावत, बाल गंगाधर तिलक। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? 159 नंबर का ए ऑप्शन, गणपति शिवाजी का उत्सव प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने किया था। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था, 161 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका ए पार्ट, बंग भंग से। अभिनव भारत के संस्थापक थे, अभिनव भारत के संस्थापक थे, बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 162 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन है, वी डी सावरकर थे। ठीक है, अगला दिया गया, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? 164 नंबर प्रश्न का डी, मैडम भिकाजी कामा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? 165 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी ऑप्शन, मैडम भिकाजी को कामा को। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया 166 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय थे? 167 का सी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग थे, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? 168 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, राज बिहारी बोस ने फेंका था। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी?
तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या होगा। देखो 169 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना हुई थी, बता चुके हैं, ठीक है। और किस वायसराय के समय हुआ था ये पूछा गया है, तो यहाँ पे जो लॉर्ड डफरिन थे उनके वायसराय में, ठीक है, उनके काल में हुआ था। अगला देखते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो गोपाल कृष्ण खोखले को मानते थे। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए बता देना, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जैसे ही लिंक में क्लिक करोगे टच करोगे आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे।